सो गाइज, ये है रोहित पुरोहित, द वेरी हैंडसम एक्टर, माई पार्टनर इन क्राइम एंड माई लाइफ पार्टनर. और ये है शीना बजाज, मेरी डिपेंडेबल दोस्त, मेरी धर्म पत्नी, ड्रामा क्वीन एंड ए ब्यूटीफुल एक्टर. थैंक यू. तो तुमने माइंड वॉर्स देखा? माइंड वॉर्स? यस यस यस, आई हैव सीन इट. उसमें बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं यार. मतलब उनको इंडिया के बारे में इतना पता है जितना मुझे खुद के बारे में नहीं पता. वेरी स्मार्ट. अब फिर से तुम अंडरप्ले कर रहे हो. अब अंडरप्ले करते करते ना तुम लास्ट में सारे आंसर सही बताओगे एंड फिर से तुम ही जीत जाओगे. सीरियसली बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं यार. मुझे सच में बहुत स्ट्रेस हो रहा है. रिलैक्स. माइंड वॉर से पहले ना एक छोटा सा गेम खेलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में दो ही तरह के वर्ड होते हैं, वन दैट एंड विद ओविया एंड वन दैट एंड विद फाइव. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द गेम ऑफ फियर एंड लव. मतलब फोबोस मतलब फियर और फाइव मतलब लव. तुम क्लास के सबसे ओवर स्मार्ट बच्चे थे ना. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो ना. तो गेम खेलते हैं, अब देखते हैं कौन कितने पानी में. चलो ओके. लैक्नोफोबिया. फियर ऑफ बीइंग लाचार. सिंडर में था जो आजकल मैं हूं ना, तुम पे डिपेंडेंट, क्योंकि सर्जरी हुई तो आई एम लाइक डिपेंडेंट ऑन यू. फियर ऑफ बीइंग लाचार. सोचो फियर ऑफ, आई डोंट नो. ये मुझे पता था क्योंकि कृषभूमि को ही प्रॉब्लम है. दिस इज लैक्नोफोबिया, फियर ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स, जो बहुत बच्चों को होता है. ओके, सो योर वर्ड इज क्लिनोफाइल. जिसको हिंदी में आलसी भी कहते हैं, जो कि हम सब हो गए हैं आजकल. ठीक है, चलो मैं तुमसे पूछती हूँ. लोगो फाइल. लोगो फाइल और किस कॉल्ड पर्सन हु लव्स वर्ड्स. नो नो, राइट आंसर. यस यस यस, द पर्सन हु लव्स वर्ड्स. यस. ओके, सो नाउ इट्स योर टर्न. ओके, सो योर क्वेश्चन इज एवियोफोबिया. Aviophobia. Yes. You think this is tough for me? Apart from very very tough. Apart from wanting to be everything, मुझे ये आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि this is the fear of flying planes and I don't have it. A fear of flying or aeroplanes. अब मैं पूछती हूँ. Dentophobia. इस टाइम पे सब. Dentophobia. I think it's very easy. Clue तो okay. Your first question is, oncology is the study of what? Cancer. Right answer. Wow. So the second question is, In which state in the west coast of India did the Parsis first arrive? Gujarat. That's the right answer. Yay! Okay, so the third question is, a corona graph is used for what purpose? Obviously, to measure COVID cases. It's a wrong answer. The correct answer is to be observe and photograph the sun's corona. ऐसा लगा कि corona corona से related है. It was a sun's corona. Okay, now I question. Got it. It's a very easy one. I hope you answer this. Who's the chief architect of Indian Constitution? It is very obvious. Dr. Bhimrao Ambedkar.
Oh. Okay, the fifth question is, which scientist's name appears in the iconic song Bohemian Rhapsody by Queen? Oh, no. So the answer would be Galileo. थोड़ा सा टफ था. हाँ, तो मैं वैसे इसलिए गेस नहीं करती क्योंकि टफ था. Who is also known as the Iron Man of India? सरदार वल्लभभाई पटेल. For a change, it's a good answer. जितना तुम्हें इसमें डिफिकल्टी हुई, so I'll have to clap for. In the movie हिचकी, रानी मुखर्जी's character has which condition? It's a Tourette syndrome, I think so. Yeah, I'm sure it's Tourette syndrome. Okay. Question number 8 is, in 1510 AD, Goa was captured by whom? Portuguese. Yes, it was very easy. I knew the answer. Really? Such a tough question you answered. Question number 9. What is Earth's only natural satellite? It's very easy. One clue. जो तुम्हारे बचपन का भी नाम था. बचपन का नाम था चांद. करेक्ट. मून. एब्सोल्युटली राइट. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. ओके. टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ व्हिच? झांसी. मतलब उसके नाम से तो झांसी ही लग रहा है. झांसी होगा. इट्स अ रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर इज मैसूर. वाह. सो वेल प्लेड. क्लैप्स फॉर शीना. ओके. यस. So this is round 2, you versus me. Okay. As you can see, so in in the movie Pa, the character of Amitabh Bachchan had which disease? I don't know, bahut time pehle dekhi thi. So the right answer is progeria. Progeria, ye to mujhe nahi aata. Next okay. Next time. Adolf Hitler was born in which country? Germany. Hitler Germany to hona chahiye. No, that's the wrong answer. He was born in Austria. Okay, what does the symbol ZN stand for in the element? Zinc. The Statue of Liberty was a gift to the United States from which country? France. How are you getting these answers? Because I have read it. Come. France, sahi hai? Haan. Yes. Who was the second human ever to walk on the moon? Buzz Aldrin. It's the right answer. It's a right answer? Yes. Yes. What is the official residence and the office of the Prime Minister of United Kingdom? 10 Downing Street. Kya? 10 Downing Street. How did you know this? It's a very basic general question. So, what is the scientific name of baking soda? Sodium bicarbonate. Very good. When was New Delhi established as the capital city of India? 1911. O negative blood type is widely known as the universal donor. Which blood type is the universal? Be careful, it's tricky. Universal receiver. AB positive. Very good. Who was the president of South Africa from 1994 to 1999? Nelson Mandela. Very good. So you should appreciate me. Thank you. So, unfortunately or fortunately, you are the winner. And ye rahi aapki trophy. Wow. So pretty. Go home with this. Will you pose with me with this? Yeah. Yay. Yeah. Keep playing Mind Wars on Z5. So, ghar baithe Mind Warriors, log in kijiye Z5 par aur khelte rahiye Mind Wars. अगर कान आंख और दिमाग खुला रखो ना तो कुछ भी सीख सकते हो. वाओ. देखा मेरी वाइफ का विजडम. गेम हार गई लेकिन कितना ज्ञान दे रही है. तो अगर आपको भी चाहिए नॉलेज का भंडार तो खेलते रहिए Z5 पर माइंड वॉर्स.